क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ द सीक्रेट ऑफ ड्रॉप शिपिंग सक्सेस। तो आपको पहले दिखा देता हूँ, बिकॉज लोगों को प्रमाण चाहिए होता है पहले। तो ये रहा वो प्रमाण। सो अभी आप देख पा रहे हो $1,825, और इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा तभी ये 1,825 होगा। रिफ्रेश कर दिया, 1,825। सो ये रहा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी, एक्चुअली क्या सीक्रेट है ड्रॉप शिपिंग का और किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो बनी रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिकॉज इस वीडियो में हमारी कुछ बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी बट बहुत मोटी बातें। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि क्या है वो सीक्रेट ऑफ ड्रॉप शिपिंग सक्सेस। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस वक्त करेंटली यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपने जो रेवेन्यू मैंने देखा था वो जनरेट हो रहा है ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। और मैं उसके ऊपर, उस पूरी मार्केटिंग के ऊपर शायद मुश्किल से दिन का 15 से 20 मिनट मोस्ट लाइक इससे ज्यादा नहीं टाइम लगा रहा। तो मैं उस चीज के बारे में बात करता हूँ। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी मैं आपको दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ ड्रॉप शिपिंग का क्या है, लाइक सक्सेस कैसे मिलेगी आपको। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब सो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सुंदर सुंदर ड्रॉप शिपिंग। तो गाइज देखिए, एक चीज क्लियर है कि 2015 और 16 में जो ड्रॉप शिपिंग थी और जो आज 2020 में ड्रॉप शिपिंग है, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सिंपल सी बात है, 2015 और 16 के अंदर जो CPMs थे वो बहुत लो थे। मुझे याद है कि अराउंड 300 से 500 रुपए के CPM थे, विच इज समवेयर अराउंड $3-5 के आसपास, $6 के आसपास, मैक्सिमम $10 तक पहुंचता था। $10 तक एक्चुअली पहुंचता भी नहीं था। और इस तरीके के CPM थे, तो मतलब CPM कम थे तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते थे इजिली। अब जब आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते थे और उस समय कंपैरेटिवली जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल था वो बहुत ज्यादा न्यू था, लाइक एकदम न्यू कोई कॉन्सेप्ट आया था जिसमें मेक मनी ऑनलाइन के अंदर बड़े टाइम के बाद, जो जिसमें एफर्ट्स कम थे और आउटपुट ज्यादा था। तो इसकी वजह से जब एफर्ट्स कम लग रहे थे और आउटपुट जो था वो ज्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से सारे के सारे जो मेक मनी ऑनलाइन के जितने भी धुरंधर थे, जितने भी बड़े 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 लोग थे, वो सबके सब इसके अंदर घुसने लगे। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो CPM थे ये राइज होने शुरू हो गए। और ये CPM राइज होते गए 2017 में और ज्यादा हुए, 2018 में, 2019 में, 2020 में। उसी के साथ एक चीज और भी हो रही थी कि जो कस्टमर को जो जो एक्सपीरियंस मिल रहा था वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, जिसकी वजह से 2020 तक आते आते ऑब्वियसली CPM तो राइज हो ही गए, पर एट द सेम टाइम जो लोगों का ट्रस्ट था फेसबुक के ऊपर, बिकॉज हम फेसबुक का सबसे ज्यादा यूज कर रहे थे एज अ यू नो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, तो लोगों को लगने लगा कि सबके सब लोग फेसबुक के ऊपर बेच रहे हैं और जो भी ये बेच रहे हैं सबके स्टोर्स एक जैसे दिखते हैं, इनमें कुछ एक ब्रांडिंग टाइप का भी कुछ नहीं दिख रहा, और यू नो प्रोडक्ट्स भी वो चाइनीज टाइप के थोड़े जो टेलीविजन नेटवर्क्स पे रात को जो आते हैं जिस तरीके की गिमिक प्रोडक्ट्स, उस तरीके के प्रोडक्ट्स मोस्टली बेच रहे हैं और CPM भी हाई हैं। तो इन सब चीजों की वजह से जो ड्रॉप शिपिंग थी वो डाउन होने लगी, और ड्रॉप शिपिंग स्पेशली जो टिपिकल ड्रॉप शिपिंग थी वो डाउन होने लगी। तो हम इसको टिपिकल लिखते हैं, बिकॉज टिपिकल ड्रॉप शिपिंग थी जो डाउन हो रही थी, ना कि ड्रॉप शिपिंग, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग अभी भी काम कर रही है। आप देखते हो कि प्रिंट ऑन डिमांड कई बार बहुत ज्यादा यू नो हाई पे जाता है, और ड्यूरिंग Q4 तो ये सही में बहुत ज्यादा हाई पे जाता है। तो दिस इज ऑल्सो ड्रॉप शिपिंग, बिकॉज हम प्रोडक्ट खुद नहीं रख रहे, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट खुद का नहीं है, हम US से लेते हैं, दूसरी कंट्री से लेते हैं, और वो टी शर्ट्स, मग्स, नेकलेसेस, ये सब कुछ बेचते हैं। बट दैट्स बीइंग सेड, तो अभी भी आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो ड्रॉप शिपिंग के अंदर, आप क्या करो ऐसा कि आपका जो ड्रॉप शिपिंग जो बिजनेस है वो आज भी चल पाए। तो उसमें आपका जो सक्सेस आपको जो मिलेगी वो सिर्फ एक और एक ही चीज से मिलेगी, और अगर आपने उस चीज को मास्टर कर लिया या उस चीज को अच्छा दिया तो आपको हमेशा ही ड्रॉप शिपिंग में सक्सेस मिलेगी, नो मैटर व्हाट। हाँ, CPM हाई हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप आपकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो जाए, आपका थोड़ा सा जो ROI है थोड़ा कम हो जाए, तो ये सब चीजें हो सकती हैं, बट ड्रॉप शिपिंग एज अ ड्रॉप शिपिंग मॉडल कभी भी आउट नहीं होने वाला। टफ होता रहेगा बिकॉज CPM हाई होते रहेंगे और लोगों के एक्सपीरियंस अगर खराब होंगे तो आपको कुछ थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो जो सीक्रेट है, तो क्या मैं बता दूं सबको सीक्रेट, तो सीक्रेट जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अगर आपके पास कोई एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है और उसकी शिपिंग टाइमिंग कम है और आपका कस्टमर सपोर्ट जो है वो अच्छा है,
अगर आप ये तीन चीजें अच्छी कर लो तो नो मैटर व्हाट, नो मैटर कि कितने लोग आ जाएं उस बिजनेस के अंदर, नो मैटर कि सीपीएम इंक्रीज होने लग जाए अप टू अ सर्टेन लेवल, ऑब्वियसली आपका बिजनेस चलेगा। तो मेरे पास ऐसे कहीं कहीं ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आज भी सेल होते हैं। लाइक अगर आप उसकी क्वालिटी अच्छी दोगे तो आपका फेसबुक एड अकाउंट हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप उसके लिए सपोर्ट अच्छा दोगे तो आपके पास मिनिमम, लाइक मिनिमम, आई एम टॉकिंग अबाउट बेयर मिनिमम, 10% रिटर्न कस्टमर रेट आएगा। और अगर आपने अपनी शिपिंग फास्ट करी, अगेन उससे ये फायदा होगा कि रिपीट कस्टमर्स अगेन आएंगे। और जब अगर आपके पास ये रिपीट कस्टमर आएंगे तो आप ईमेल लिस्ट बना सकते हो उससे। ईमेल लिस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इस समय मेरे पास एक ईमेल लिस्ट है जो बहुत ही एज कंपेयर टू, लाइक मेरे पास वो जो ईमेल लिस्ट है उस पर्टिकुलर स्टोर की दो जगह पर है। एक है मेल चिम्प में, तो इसको लिख देता हूँ मेल चिम्प। ये ईमेल ऑटोमेशन के लिए सॉफ्टवेयर है, जिन लोगों को पता है उन लोगों को मालूम है कि क्या होता है, जिनको लोगों को नहीं मालूम वो मेल चिम्प के बारे में सर्च कर सकते हैं। और एक मेरे पास कन्वर्ट किट, ये दो जगह पे मेरे पास मेलिंग लिस्ट पड़ी हुई है मेरे एक स्टोर की। यहाँ पे अराउंड 14,000 के आसपास के कस्टमर्स हैं, इस जगह पे 4 से 5 हजार कस्टमर हैं। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट किट यूज कर रहा हूँ, और मैंने जो लास्ट 30 डेज में इसके अंदर से जो रिवेन्यू जनरेट किया है, सीन लाइक आई हैव जनरेटेड मोर देन $1,000 वन के, एंड इसके अंदर स्ट्रेट अवे लाइक 30% प्रोडक्ट कॉस्ट है तो 70% मेरा प्रॉफिट है। और 70% प्रॉफिट में से अगर थोड़ा सा माइनस आपको करना है तो जो भी कन्वर्ट की किट की फीस है, जो भी मे बी शायद अराउंड $100 लगी, उससे भी कम होगी इस वक्त। तो अगर आप ये तीनों चीजें अच्छी करें, क्वालिटी, सपोर्ट, शिपिंग, ये सब चीजें अच्छी करें, तो आपके पास हमेशा ही लाइक ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चलता रहेगा एवरी सिंगल ईयर। जस्ट इमेजिन अगर आपने 10,000 कस्टमर्स एक्वायर करे हैं और उन 10,000 कस्टमर्स को आपने अच्छी सर्विस दी है, अच्छा प्रोडक्ट दिया है, और उनको आपने शिपिंग टाइम उनका कम था। अब हम बात कर सकते हैं कि आप शिपिंग टाइमिंग कैसे कैसे आप शिपिंग टाइमिंग कैसे कम कर सकते हो। आप शिपिंग टाइमिंग कम कर सकते हो बाय यूजिंग यूएस सप्लायर्स, कनाडा सप्लायर्स। मेरे पास ये दोनों सप्लायर्स की जो जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां पे जा सकते हो। तो आप उन सप्लायर्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट को शिप कर सकते हो। अपने प्रोडक्ट को शिप करने के बाद आपके जो जो प्रोडक्ट जल्दी शिप होंगे उसका आपको फायदा होगा, बिकॉज अराउंड लाइक 4 to 7 days मैक्स आपकी शिपिंग टाइमिंग रहेगी। कस्टमर को प्रोडक्ट मिलेगा, अगर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो वो दोबारा आएगा। आप सिंपल एक ईमेल भेज के उस कस्टमर को उसका फीडबैक ले सकते हो, उसको एक डिस्काउंट कूपन दे सकते हो, और वहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बट आई नो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लोग ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं लेकिन वो करते नहीं है। उसके पीछे एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं, उनके पास टीम नहीं होती, उनके पास कोई प्लान नहीं होता, और वो सब लोग इस समय फैंसी स्टफ देख रहे हैं ऑनलाइन, वो देख रहे हैं कि दूसरे लोग कितना बना रहे हैं, बिकॉज डजंट रियली मैटर, दूसरा बंदा हमेशा आपसे कम या ज्यादा बना सकता है। उस चीज के अंदर ना पड़ो, बस अपने काम पे फोकस करो, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। सो द सीक्रेट ऑफ ड्रॉप शिपिंग राइट नाउ इवन इन 2020 इज, इसको हम बहुत एक अच्छे कलर्स में लिखते हैं, किसी बढ़िया से कलर भी लिखते हैं, बढ़िया कलर नहीं है ये, बढ़िया कलर प्रोडक्ट। सिर्फ बढ़िया प्रोडक्ट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी करो, ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बहुत सौखा है। अगर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस किया, आपकी जो मार्केटिंग के ऊपर सब लोग फोकस करते हैं ना कि फेसबुक मार्केटिंग का क्या इस समय स्केलिंग मैटर चल रहा है, कुछ भी नहीं। सही बताऊं कुछ भी नहीं चल रहा, कोई भी स्केलिंग मैटर, कोई कोई ऐसा कोई आउट ऑफ एनीवेयर, कोई सीक्रेट, कोई निंजा हैक इस समय नहीं चल रहा। अगर आता भी है वो हैक तो वो रुकता नहीं है ज्यादा टाइम, मे बी 5-10 दिन चलता है। सिंपल सीबीओ यूज करके देखो, अगर वो चल रहा है तो बजट बढ़ाओ, अगर एबीओ आपके पास अच्छा चल रहा है तो डुप्लीकेट करते रहो, बजट बढ़ाते रहो। इन दोनों चीजों के अलावा आपको ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप मार्केटिंग में बुरे हो सकते हो, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट में बुरे हुए तो आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस नहीं चलेगा। ड्रॉप शिपिंग क्या, अगर ई कॉमर्स का कोई भी बिजनेस है, अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और हम वैसे भी ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो जो भी आपको ड्रॉप शिपिंग के अंदर सक्सेस मिलनी है ना, वो सिर्फ एक चीज से मिलनी है, आपके प्रोडक्ट से।
इसके अलावा किसी से नहीं। और इस प्रोडक्ट के लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म में करना है। लेट सपोज आपने एक ना प्रोडक्ट चूज किया, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट का, एक्ने रिमूवर। ये प्रोडक्ट आज भी एक विनर है क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा है, हर हर एक एक लड़की को एक्ने की का इश्यू हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा होता है, लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाएंगी वरना, लेकिन लड़कियां कंसर्न होती हैं हमें स्किन के लिए, ठीक है, एक्ने एंड ऑल दोस ब्लैक हेड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये ब्लैक हेड रिमूवर, ये ब्लैक हेड रिमूवर है एक्चुअली, एक्ने रिमूवर नहीं है, बट यस एक्ने को रिमूव कर मतलब दूर करने के लिए इट्स अ ब्लैक हेड रिमूवर। तो ब्लैक हेड रिमूवर जो प्रोडक्ट है 2017 में भी लोगों ने बेचा है, 2018 में भी लोगों ने बेचा है, 2019 में भी बेचा और 2020 में भी बेचा है, और हर साल लोगों ने इसे बेच के मल्टीपल शायद सिक्स फिगर्स करे हैं, उससे भी ज्यादा नंबर्स किए हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टोर्स जिन्होंने शायद ब्रांडेड स्टोर बनाए, लेकिन आज वो स्टोर एग्जिस्ट नहीं करते। उनके पीछे सिंपल एक रीजन है कि या तो उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं था या तो उनकी सर्विस अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर इनके पास ये दोनों चीजें अच्छी होती तो चाहे ये लोग मे भी शायद 20,000 कस्टमर्स एक्वायर करते, इन 20,000 कस्टमर्स से भी वो हर साल इजिली इजिली 20 से 30 हजार डॉलर जनरेट कर सकते थे, इजी पीजी। बट मैं देखता हूं कि वो लोग जो इतने ज्यादा कस्टमर्स एक्वायर कर लेते हैं उसके बाद वो सोचते हैं एक बार हमने कस्टमर ले लिया, अब इसके पास भी नहीं जाना है, इसे ईमेल भी नहीं करनी है, इसको एसएमएस भी नहीं करना है, ऐसे कुछ नहीं पूछना, बिकॉज हमने इसे एक बार ले लिया, ये कहीं अपने पैसे वापस ना मांग लिया हमसे। दैट्स द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग अबाउट ड्रॉप शिपिंग। सो जस्ट फोकस ऑन योर प्रोडक्ट। और हाँ, सीपीएम हाई है तो इस समय जो लर्निंग कर्व है वो बढ़ चुका है, आपको पैसा ज्यादा खर्चना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। आप मान के चलो 6 to 8 months की आपको लर्निंग लगानी पड़ेगी अगर आपके पास यू आर लो ऑन फंड्स। अगर आपके पास बहुत ज्यादा फंड्स हैं तब भी आपको 2 से 3 महीने आप मान के चलो आपको लगाने ही पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट दिस बिजनेस, बिकॉज यू हैव टू लर्न मार्केटिंग, अ लिटिल बिट ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज एटलीस्ट वो 10% है हमारी मार्केटिंग, लेकिन उस 10% को कहीं कहाँ लगाना है उसको सीखना है। उसके अलावा आपको बाकी चीजें सीखनी है, 90% प्रोडक्ट कैसे सेट होता है, एक अच्छा बिजनेस कैसे रन करते हैं, उसे रिपीट कस्टमर्स को कैसे लेके आते हैं, आपको आपको ईमेल्स कैसे करनी है, आपको अच्छी शिपिंग टाइमिंग कैसे देनी है, और इसमें टाइम लगेगा। दिस इज नॉट गोना कम जस्ट लाइक दैट, और इसके लिए कोई भी आपको आपका जो लर्निंग कर्व है इसको शॉर्ट नहीं कर सकता। तो लर्निंग कर्व आपको लगाना पड़ेगा और आपको सब कुछ यूज करना पड़ेगा। एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ ड्रॉप शिपिंग राइट नाउ इन 2020, एंड आई थिंक 2021 में भी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। द सीक्रेट ऑफ ड्रॉप शिपिंग विल रिमेन द सेम, विच इज काम करो पुत्र, यू हैव टू वर्क, देयर इज नो अदर वे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड जिन लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं पता ड्रॉप शिपिंग के बारे में और ई कॉमर्स के बारे में, और उनको मार्केटिंग सीखनी है, उनको प्रोडक्ट रिसर्च सीखना है, तो देयर इज अ फ्री कोर्स अवेलेबल, आई विल गिव द इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उसके अलावा There's a paid course as well, which goes for $97. But वो तभी आप लेना जब आप पहले free course complete कर लो, because free course complete करते करते आपको 1 से 1.5 महीना लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी लोग paid course खरीदे just like that, because दो वो समय बहुत सस्ता है, like $97 का एक समय जा रहा है, और समय obviously that is a low hanging fruit because we are using Google. So जिन लोगों को Google shopping straight away सीखनी है वो लोग $97 का course opt-in कर सकते हैं, उसका भी link मैं दे दूंगा description के अंदर। और जिन लोगों को मुझे Instagram पे follow करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और जिन लोगों को मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ क्वेरीज पूछनी है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर हम लाइव करते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप है, मैं सब चीजों के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, एंड यू कैन जॉइन मी देयर। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, दिस इज योर फ्रेंड निकोला, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।